श्रम विभाग के निरीक्षक द्वारा लाभार्थियों से मनमानी वसूली, लाभार्थियों द्वारा पैसा न देने पर अभद्रता और गाली गलौज। श्रम विभाग बलरामपुर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना पैसा लिए लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पैसा न मिलने पर लाभार्थियों से अभद्रता करने के साथ साथ गाली गलौज भी किया जाता है। श्रम विभाग में निरीक्षक पद पर तैनात रामेंद्र मोहन यादव द्वारा श्रमिकों की लड़कियों के शादी अनुदान में मनमाने ढंग से पैसों की वसूली की जा रही है। हाल ही में सुनील चौहान ने अपनी लड़की की शादी के अनुदान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। अनुदान के नाम पर निरीक्षक रामेंद्र यादव ने धीरे धीरे करके लगभग 5 से 6 हजार रुपए की वसूली की। बलरामपुर में श्रम विभाग के भ्रष्टाचार अनियमितताओं की तमाम सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। को मैं कृषि विभाग में गया हुआ था और बगल में बहुत शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो मैं वहां उठ के गया तो पता लगा कि एक पीड़ित व्यक्ति से, एक रामेंद्र यादव हैं जो वहां के निरीक्षक हैं, उनके द्वारा पब्लिक से झगड़ा हो रहा था। तो मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि आपसे क्या मतलब है। हमने कहा कि मतलब क्यों नहीं है, क्या हो रहा है। और इसी बीच वो आक्रोशित होकर महिला के ऊपर उसने मोटा सा रजिस्टर उसके सर पे मार दिया और उसका कपड़ा फाड़ दिया। इसकी सूचना हमने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिया था। महिला ने भी सभी जगह प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि सरकारी विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध FIR बिना जाँच के नहीं हो सकता है, और जांच हो रही है, जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमने सभी जिलाधिकारी महोदय और CDO और पुलिस अधीक्षक महोदय से कहा है कि जांच करके इनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए और FIR किया जाए। न पुलिस करे, सरकारी कर्मचारी का पहले विभागीय जांच होगा, उसके बाद जांच हो, FIR होगा। 27 जून को जब सुनील चौहान, उनकी पत्नी नीचू चौहान ने पुनः जाकर निरीक्षक से अनुदान की सिफारिश की, तो उन्होंने पुनः 5 हजार रुपए की फिर मांग की। इस पर उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, इतना पैसा नहीं दे सकते। तो निरीक्षक रामेंद्र मोहन यादव ने गाली गलौज बकते हुए आवेदक व उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की शोर शराबा सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया। निरीक्षक द्वारा आवेदक व उनकी पत्नी को कार्यालय में दोबारा न आने की धमकी भी दी। इस प्रकरण को लेकर आवेदक ने मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी DPC ने भी पत्र लिखकर निरीक्षक के कार्य व्यवहार को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। अब एक सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या गवर्नमेंट इन कर्मचारियों को पैसे नहीं देती? क्या इनका पेट अब दलाली पर ही भरेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल सरकारी कार्यालयों में अक्सर सुनने को मिलते हैं। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।